सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आ चुके हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा। तो बंगला साहिब गुरुद्वारा में जो है व्लॉगिंग जो है वो बैन है, तो हमने सिंपल वीडियो बना दी। तो मैं आपको वॉइस ओवर करके बताने लगूं बंगला साहिब गुरुद्वारे के बारे में और वहाँ की किचन जो दिल्ली की बहुत ही बड़ी किचन मानी जाती है। तो आज हम वहाँ का लंगर जो है वो चखेंगे और उसका तो टेस्ट तो एक नंबर होता है, क्योंकि लंगरों का टेस्ट वो तो रब की कृपा होती है, उसमें तो एक ही नंबर होता है। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। तो गाइज आगे हम बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर, तो जोड़ा घर पर सबसे पहले हमने अपने शूज चप्पल रख दी। वहाँ पे काफी बुजुर्ग लोग अपनी सेवा कर रहे थे, तो उसके बाद हमने अपना सिर वगैरह ढका। तो उसके बाद हम चले गए अंदर बाबा जी के दर्शन करने के लिए। बाबा जी से प्रार्थना की कि सब अच्छा रहे, सब के घर वगैरह घर वाले सब अच्छे रहे। गुरु वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। बाबा जी के दर्शन करने के बाद हम आगे बंगला साहिब गुरुद्वारे की किचन के अंदर। वहां पर हमने देखा कि फुली ऑटोमेटिक मशीन पर सब कुछ बन रहा है। पहले हमने रोटी की मशीन देखी, वहां पर हम खाली आटा डालते हैं, उसके पेड़े भी खुद बनते हैं, रोटी जो है रोल भी खुद होती है और उसके बाद बनकर रेडी हो जाती है। उसके बाद हमने देखा काफी लोग वहां पर सेवा करने के लिए भी आए होते हैं, तो वहां पर सेवा जो आप हर कोई जाके वहां पर सेवा कर सकता है। उसके बाद हमने वहां पर देखा फॉरनर्स भी वहां पर सेवा कर रहे हैं। हमने उनसे देखा कि काफी अच्छे से, कोई यूएसए से था, कोई इंग्लैंड से था, तो वहां पे काफी उन्होंने अच्छे से वहां पे सेवा कर रहे थे। गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। तो यहाँ पर बड़ी सी देग पर चने जो है वो बॉयल हो रहे थे, उसके साथ यहाँ पर देसी घी पर उसका जो तड़का है वो तैयार हो रहा था, और तड़के का जो अरोमा आ रहा था गाइस एक नंबर। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। तो गाइस जैसे ही हम बाहर आए तो आगे देखा लंगर हाल पूरा जो है वो फुल हो गया था। तो बाहर भी अभी जैसा बैठा हुआ था जो लंगर का इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पर जैसे आप लंगर खाते हो, एक एक जगह आकर लंगर यहाँ पर 24 घंटे चलता रहता है। आप यहाँ पर आकर जब भी आओ तो आप यहाँ पर आकर लंगर चख सकते हो, उसके कोई टाइम पीरियड नहीं है, इतने से इतने बजे तक आप जब मर्जी आकर यहाँ पर लंगर चख सकते हो। तो गाइस ये देखो गरम गरम प्रसादा जो है वो साथ साथ ही यहाँ पे लगता रहता है और ऊपर देसी घी उनके लगता रहता है। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। तो गाइस फिर मैं भी आ गया बाहर पापा औरों के पास। तो यहाँ पर हमने इंतजार किया और ऊपर से बाबा जी के कीर्तन चल रहा था धीमी धीमी आवाज पर, इतना मजा आ रहा था गाइस, बहुत ही जबरदस्त। तो जो कीर्तन का मजा हम ले रहे थे सभी, तो गाइस वहाँ पर इतना मजा आता, इस पॉजिटिव वाइब मिलती है वहाँ पर जब एक धीमी आवाज पर जो कीर्तन साथ साथ चल रहा होता है। तो गाइस फाइनली अपना टाइम भी आ गया अंदर लंगर चखने का, तो हम चले अंदर लंगर चखने के लिए। सभी घर वाले, मम्मा भी थे, पापा भी थे, सभी थे, तो हम अंदर चले लंगर चखने के लिए। गुरु वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। तो गाइस हम आ गए लंगर हाल के अंदर, तो हमें सबसे पहले मिल गई हमारी प्लेट जिस पर हमने लंगर चखना था। उसके बाद आ गया जी हमारे पास प्रसादा,
तो गाइज आहा मजेदार प्रसादा था। ये देखो गाइज क्या जबरदस्त। तो गाइज पूरी ऑटोमेटिक मशीन पर जो है प्रसादा वो तैयार हुआ था। उसके बाद आ गई जी हमारी दाल। ये मेरे साथ अंकल जी बैठे थे, बहुत ही मजाकिया थे। तो गाइज मैं आपको बता नहीं सकता वो कितने मजाकिया थे, बहुत ही जबरदस्त। तो ये आ गई हमारी दाल। दाल भी जो है वो भी फुली ऑटोमेटिक मशीन पर बनी थी। तो ये आ गया हमारा चम्मच, क्योंकि चम्मच जो हम हाथ से नहीं खाते, कोई कोई होते हैं जो चम्मच यूज करते हैं, मैं नहीं करता इतना। तो गाइज बहुत ही जबरदस्त रहा, यहाँ की जो मैनेजमेंट है एक नंबर। वाहे गुरु, 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 वाहे हाँ। मजेदार क्या लंगर था गाइस, बहुत जबरदस्त लंगर। तो वैसे भी हर जगह के टेस्ट होते हैं, तो गाइस क्या जबरदस्त लंगर था, हाँ मजेदार। तो उसके बाद हमने लंगर चेक कर फिर हम चले गए, जो जूठी प्लेटें थी हमारी जिस पर हमने भोजन किया था वो हम चले गए वहां पर देने के लिए, जहां पर बर्तन धोने हो रहे थे तो हमने वहां पर दिए। तो काफी लोग जो है वो अनवेस्ट कर देते हैं। मैं उनसे यही बोलता हूँ कि गाइस जितना आपने खाना उतना ही खाओ, कुछ वेस्ट मत किया करो। तो गाइस कुछ लोगों को तो नसीब ही नहीं होता, तो गाइज प्लीज वेस्ट मत किया करो, पूरा फिनिश किया करो, जितना आप खा सकते हो उतना ही खाओ। खाओ गुरु वाहे गुरु, 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 वाहे। तो गाइज यहाँ पर जैसे हम बाहर निकलते हैं लंगर हाल से, वहां पर यहाँ पे नल लगे हुए हैं हाथ छाथ धोने के लिए। तो गाइज किन्हीं लोगों को तो पता नहीं चलता कि ये नल चलाने कैसे, यहाँ पे नीचे पाँव पे दिया होता है पैडल, उसको दबाओगे तो पानी आएगा। तो कुछ लोग तो कंफ्यूज रहते हैं जिनको नहीं पता चलता। तो गाइज नीचे पैडल होता है, उसको आप दबाओगे तो पानी आने शुरू हो जाएगा। तो अब हाथ छाथ यहाँ पे हमने धोए। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। तो गाइज यहाँ पर मिलता है पीने वाला पानी। तो अगर आपने अपनी बोतल वगैरह भी भरनी है, यहाँ पे भाई जी बैठे हुए हैं नल से, वो आपकी बोतल वगैरह भी भर देंगे। तो देखो ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, पंजाबी मुझे पढ़ने नहीं आती तो पीने का पानी ही लिखा हुआ है। तो गाइज अब आगे हम चले गए पानी पीने के लिए। यहाँ पर गिलास पर हमें पानी मिल रहा है, जिस जिसने पीना वो यहाँ पर पी सकते हैं। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। तो गाइज बाबा जी के अच्छे से दर्शन करके और उनका प्रसादा चेक के, लंगर शंगर चेक कर फिर हम चले गए अपनी पार्किंग की तरफ। तो हमने पार्किंग की तरफ जाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की, उसके बाद हम चले गए अपना घूमने फिरने के लिए। तो बाबा जी आप सब पर कृपा बनाए रखें, तो हम पर भी बनाए रखें। तो बाबा जी बहुत अच्छे दिन चला रहे हैं हमारे, ऐसे ही चलाते रहे। तो गाइज इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।